बदकिस्मती से उस दौर के वैज्ञानिक फैराडे के बारे में यही सोचते थे कि फैराडे सपना देख रहे हैं। वो उनके आविष्कार करने की क्षमता और उनके प्रयोगों की तो तारीफ करते थे, मगर उनकी नजर न आने वाली लाइंस ऑफ फोर्स और लाइट और ग्रेविटी के बारे में उनके विचारों को मनगढ़ंत मानते थे, क्योंकि इन्हें सच साबित करने लायक सबूत उनके पास नहीं थे। वो उनके विचारों को मॉडर्न फिजिक्स की भाषा यानी इक्वेशंस की शक्ल में देखना चाहते थे, और यहीं पर फैराडे की बचपन की गरीबी और सिलसिलेवार पढ़ाई न कर पाने की कमी आड़े आ गई। वो ये कैलकुलेशन नहीं कर पाए। फैराडे के सामने ऐसी मुश्किल आई थी जिसे वो खुद पार नहीं कर सकते थे। और फिर 19वीं सदी का एक महान थियोरेटिकल फिजिसिस्ट उनकी मदद के लिए आगे आया। उस जमाने के दूसरे वैज्ञानिक फैराडे को पुराने ख्यालों का मानते थे, मगर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल उनकी कद्र करते थे। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फैराडे के लिखे हर शब्द को पढ़ डाला। उन्हें यकीन हो गया कि फैराडे की फील्ड्स ऑफ फोर्स एक हकीकत है, और इसके लिए वो गणित का एक फॉर्मूला तैयार करने में जुट गए। जब मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में फैराडे के प्रयोगों को इक्वेशंस में बदला, तो उन्हें दोनों में समानता दिखी। ये नीचे वाला इक्वेशन देख रहे हैं आप, ये कुछ और ही बताना चाह रहा है। महान मैथमेटिशियन मैक्सवेल ने इसे बैलेंस करने के लिए एक इकलौती टर्म इसमें जोड़ दी। इक्वेशन में इस मामूली से बदलाव से फैराडे की एक जगह ठहरी तरंगे लाइट की स्पीड से चलने लगी, और बहुत जल्दी हमने इन तरंगों के जरिए अपने संदेश पहुंचाने का तरीका भी ढूंढ लिया। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? ये काम ऐसे होता है। इस टेक्नोलॉजी ने इंसानी सभ्यता को बदल दिया, जो दूर दूर फैले शहरों, कस्बों और गांवों के बजाय एक दूसरे से जुड़े ग्लोबल विलेज में बदल गई। रोशनी की रफ्तार से हम जुड़ गए एक दूसरे से भी और कॉस्मोस से भी।